हेलो दोस्तों, हाय, मैं आपका दोस्त संजय गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में जब भी मुसीबत आती है हम कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं और उन मुसीबतों से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार हम हार जाएंगे। लेकिन इंसान वो क्या है जो हार मान जाए? इंसान तो वो है जो एक बार अपना पाँव जमा ले तो तब तक नहीं हटाए जब तक उसे मंजिल ना मिल जाए। एक बहुत ही प्यारी बात मुझे याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत ही शानदार सा शेर है और उस शब्द है उसके इतने खूबसूरत हैं, इतनी सहजता से सजाया गया है। देखिए उसकी लाइनें क्या हैं, बहुत ही सुंदर से अल्फाज हैं उसके। मिर्ज़ा गालिब ने एक बहुत ही शानदार सा शेर कहा था कि उम्र भर यही भूल करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी एक कहानी मुझे याद आ रही है, वो मैं आपसे सभी से शेयर करना चाहूंगा। एक गांव की बात है जहां 6 अंधे व्यक्ति रहते थे, जहां 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक बार क्या हुआ कि गांव में हाथी आने वाला था तो लोगों ने बताया कि गांव में हाथी आने वाला है, हाथी आने वाला है, हाथी आने वाला है। और उस दौर में गाँव में हाथी देखने के लिए जो भीड़ लगती थी, शायद वो भीड़ अब कहीं नजर नहीं आती है, ना तो इतना उत्सुक रहते हैं लोग बाग हाथी देखने के लिए। तो क्या हुआ कि उन जब व्यक्तियों को सुनाई दिया कि आज गांव में हाथी आने वाला है, तो अंधे व्यक्तियों को लगा कि यार हम हाथी को कभी देख तो नहीं सकते हैं, भगवान ने हमें आंखें तो नहीं दी हैं, लेकिन हम लोग सभी लोग एक निश्चय करते हैं कि उस हाथी को छू कर जरूर महसूस करेंगे। आखिर हाथी होता कैसे? तो उन सभी लोगों ने दृढ़ निश्चय किया, हम जरूर जाएंगे और हाथी को छू कर महसूस करेंगे। और वो लोग निकल पड़े गांव की ओर कि यार चलो आज हाथी आएगा, हाथी को आज छू के महसूस करना है। और आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 वो जहां हाथी आया हुआ था वहां तक पहुंच गए। और पहले व्यक्ति ने हाथी को टच किया, उसके पैर को टच किया और उसने बोला कि मैं समझ गया हाथी कैसा होता है, मैं पूरी तरह से समझ गया कि हाथी एक मोटे खंभे की तरह होता है। तो जो दूसरा व्यक्ति उसका पूंछ पकड़े हुए था हाथी का, उसने बोला नहीं नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, हाथी तो रस्सी के जैसे होता है, हाथी रस्सी के जैसे होता है। इतने में तीसरा जो अंधा व्यक्ति था वो बोल पड़ा, जो कि हाथी का कान पकड़े हुए था, बोला नहीं नहीं तुम लोग कैसे बोल रहे हो, हाथी ना तो खंभे की तरह होता है ना तो रस्सी की तरह होता है, हाथी तो बहुत बड़े पंखे की तरह होता है। इतने में जो चौथा अंधा व्यक्ति था वो हाथी की सूंड पकड़े हुए था, वो बेचारा सहजता से बोला नहीं नहीं तुम लोग सब गलत अफवाहें में हो, हाथी किसी भी तरह नहीं होता, हाथी तो पेड़ के तने के जैसे होता है। और जो अगला अंधा व्यक्ति था वो हाथी का दांत पकड़ा हुआ था, बोला नहीं नहीं हाथी तो दुबला पतला नुकीली एक वस्तु की तरह होता है। आपस में वो सभी लड़ने झगड़ने लगे, बहुत इतनी बातचीत बढ़ गई कि सभी लोग लड़ने झगड़ने लगे, कहा सुनी हो गई। इतने में एक बुद्धिमान व्यक्ति निकल रहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने बोला कि क्यों तुम लोग आपस में लड़ झगड़ क्यों रहे हो? तो उन्होंने अपनी बात उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताई कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। उन सभी की सारी बातों को उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सुना और उसने कहा कि आप सभी लोग अपनी जगह पे पूरे सही हैं। अगर आप बोल रहे हैं हाथी एक बड़े पंखे की तरह होता है, पूंछ रस्सी की तरह होता है, पैर मोटे खंभे की तरह होता है, सूंड की तरह होता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपने हाथी का एक भाग छुआ है, पूरे हाथी को नहीं छुआ है। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है और जब आप लोग जितने भी वर्णन आप कर रहे हैं हाथी का, ये पूरा एक हाथी होता है, तब जाकर वो हाथी का पूरा एक भाग बनता है शरीर का। तो यही बात थी और इंसान को यही कहते हैं ना कि जिस जगह से आप देख रहे हो आप भी सही हो सकते हो, जिस जगह से हम देख रहे हैं शायद वो भी सही हो सकता है। अगर आप उधर से देखेंगे तो शायद 6 आपको 9 समझ में आए और यहां से मैं देख रहा हूं कि वो 6 है, तो ना आप गलत है ना हम गलत है, दोनों का नजरिया बिल्कुल सही है। आप अपने जगह पे सही हैं, हम अपने जगह पे सही हैं। तो इंसान को कभी भी ये नहीं साबित करना चाहिए नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा सही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा।